तो वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर संपन्न हो गया। वहीं इसके बाद आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो भारत में आपकी संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे और आप पूरी ताकत और मेहनत करेंगे, लेकिन कांग्रेस लोग आपको लूटने आएंगे। ये इतनी खतरनाक साजिश है। जब हम किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो इमोशनल ड्रामा करते हैं, लेकिन ये आम आदमी का पैसा लूटना चाहते हैं। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर संपत्ति आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक बड़ा सा टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेन पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इस पे बड़ा सा टैक्स लगाएंगे। बड़ा सा टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने चार कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम दो कमरे में रहो, दो कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, एंटी गठबंधन के लोग आएंगे, क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश से लोग कर रहे हैं। यानी कितने खतरनाक साजिश रच रहे हैं। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के खतिया पढ़ते हैं, लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, यही नहीं, कांग्रेस ने और भी बातें कही है। उसने कहा पर्सनल कानून को लागू कर देंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं, तीन तलाक की जो कुप्रथा बंद की है मोदी जी ने, इसको ये लोग फिर से लागू करेंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं ना, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का तालिबानीकरण कर।